हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक में फैशन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल का आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हेलो गाइस, मैं हूँ फैजान। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल फैजान। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया, जो कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्निकल फैजान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाकर मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 7 अमेजिंग ऐप्स के बारे में, जो कि ये ऐप्स बहुत अच्छी है। चलिए हमारी पहली ऐप्स के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है VM स्वाइप। इसको ओपन करके इसके बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ पे इनेबल VM स्वाइप को ऑन कर देना है। मैं अभी इसको ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से ऊपर की तरफ इनेबल VM स्वाइप को ऑन कर देना है, और आपके सामने साइड में एक साइड बार आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टॉर्च, वाईफाई, ब्राइटनेस, ऑटो रोटेशन, ब्लूटूथ, शेयर ऐप, वॉल्यूम, मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट सेटिंग, ऐप सेटिंग सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपनी ऐप्स को भी सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी दूसरी ऐप है, जिसका नाम है डबल होम। आपको डबल होम जानकारी पता चल गया कि ये क्या काम करती है। बस आपको इसको ऑन कर देना है या फिर डबल टैप, और जैसे ही आप अपने होम बटन है उस पर दो बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन लॉक हो जाएगी। अब जैसे इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। चलिए से अब हमारे तीसरी ऐप के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है यूनिक कंट्रोल। हम इसको ओपन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे हेलो और इस मेन स्विच और दोनों को यहाँ पे आपको ये करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड बार में मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन देख सकते हैं ऐप की, जो खुली हुई है पहले से। और यहाँ पे दूसरी आपको दिख रही होगी पाई, इसको भी आपको ऑन कर देना है। ये आपको क्या करती है, ये आपको नीचे की तरफ 3 बटन दे देती है, जो कि होम बटन या बैक बटन या रिसेट टाइम का एक दे देती है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे होम बटन, बैक बटन और रिसेंट बटन को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप भी बहुत अच्छी है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारी जो चौथी ऐप है, जिसका नाम है स्क्रीनशॉट असिस्टेंट। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी है। बस आपको इसको पहले आपको ओपन करके इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको जैसे स्क्रीनशॉट असिस्टेंट पर ओपन कर देना है, यहाँ पे आप जैसे इसको डन कर देना है दोस्तों। आप जैसे इसको डन करेंगे, आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेने की बहुत सारी अच्छी तरीके होगी। आप अगर अपने वॉल्यूम बटन और जो बैक जो स्क्रीन लॉक बटन को दबाते हैं तो भी आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन पर 3 उंगलियां ऐसे करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों आप अपने स्क्रीनशॉट को बस अपने जो होम बटन है उस पर दबाएंगे तो आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ गया है। अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो भी आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी, यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है, यहाँ के डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। दोस्तों ये डाउनलोड हो गया, स्क्रीनशॉट सेव्ड। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी पाँचवीं ऐप है, जिसका नाम है एमोलेड वॉलपेपर। इसमें आपको दोस्तों बहुत अच्छे वॉलपेपर आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे वॉलपेपर आते हैं। मैं इन वॉलपेपरों को बहुत यूज़ करता हूँ, मुझे ये वॉलपेपर बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे HD क्वालिटी के वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत अच्छे वॉलपेपर आते हैं दोस्तों। देखिए ऑल टाइम पॉपुलर वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसेंट वॉलपेपर कैटेगरी इसमें भी आपको मिल सकते हैं वॉलपेपर। तो आप यहाँ से कोई भी वॉलपेपर को चूज़ करके अपने स्क्रीन पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे वॉलपेपर आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक वॉलपेपर अपनी स्क्रीन पर लगा के आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। मैं एक वॉलपेपर आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ। बस आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा सेट। आप जैसे इसको सेट पर क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन पर ये सेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन पर ये हो गया है, सेट हो गया है वॉलपेपर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वॉलपेपर दिख रहा है आपको। बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करके इसको सेट कर देना है, आपके वॉलपेपर बहुत अच्छे वॉलपेपर आ जाएंगे। अब दूसरा नाम है जो हमारे ऐप का, उसका नाम है जेट्रोपिक। ऐसा को बहुत ही अच्छा नाम है इसका। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। अब जैसे इसको ओपन करते थे, आपको मोशन कराएगा ये आपके इमेज को, कैसे मोशन कराते हैं। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको बस अपना कोई भी
एक इमेज चूज कर देना है। मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज चूज कर देता हूँ, जैसे कि मुझे जिसको मोशन कराना है मैं उसको चूज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक एक इमेज को चूज कर दिया है। इसको आप कैसे मोशन करा सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन मिल जाएगी, आपको यहाँ पे सेपरेटाइज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो जिस पर भी आपको मोशन कराना है उस पर आपको ऐसे बस सरक देना है अपनी उंगली से, बस ऐसे निशान ला देने है, तो ये मोशन हो जाएगा। और आपको जिसको मोशन नहीं कराना है, इस ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मास्क का ऑप्शन यहाँ पे साइड में, अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दीजिए जो भी जिसको भी आपको यहाँ पे, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसको बड़ा करके जो भी मुझे मोशन नहीं कराना है मैं इस पर ये लाल लाल बटन है उस लाल कर देता हूँ, लाल एरिया कर देता हूँ। तो दोस्तों अब ये देखिए आपको ऊपर प्ले का बटन दिख रहा होगा, आपको प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये मोशन हो रहा है। आप कुछ भी अपने अपने तरीके से यहाँ पे मोशन कर सकते हैं, अपने फ़ोटो में, अपने कुछ भी फ़ोटो में, बैकग्राउंड में जो कि आपको मोशन करवाना है अब यहाँ से मोशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारी अगली ऐप के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है आयर ऐप। आप तो इस ऐप को जानते हो कि ये ऐप क्या काम करती है। दोस्तों ये ऐप आपको जो कि आपका सिम कार्ड है, वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, कुछ भी है, इसको आप अपनी अपनी वो दिखा देती है जो आपको टॉक टाइम करवाना था, जैसे आपको ऑफ़र दिखा देती है। यहाँ पे आपको जैसे कि कोई भी जैसे कि आइडिया के ऑफ़र देखने हैं तो यहाँ पे आपको आइडिया के ऑफ़र दिखा देगी, ये आइडिया के ऑफ़र दिखा देगी आपको। यहाँ पे जो ऑफर ये आ गई है आपको यहाँ पे 2G की ऑफ़र दिखा देगी, 2G की ऑफ़र दिखा देती है, 3G के, 4G के भी ऑफ़र दिखा देती है, लोकल STD, SMS, अदर और कुछ भी ऑफ़र दिखा देती है आपको। तो दोस्तों ये सारे की सारे ऐप्स में ऐप्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आपको ये प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी आसान तरीके से, और उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।